नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विजय। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्लो प्लग के कुछ बारे में जानकारियाँ। तो यदि आप वाटर हीटर बनाना चाह रहे हो ग्लो प्लग से, तो उसके पहले आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो ग्लो प्लग के बारे में हम कुछ जानकारियाँ देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि ये जो ग्लो प्लग है, जहाँ पर स्क्रू है वहाँ पे 12 वोल्ट कनेक्ट होता है, और जो उसकी बॉडी है वो ग्राउंड होती है, मतलब नेगेटिव आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको उसको एक छोटा सा डेमो भी आपको करके बताऊंगा, पानी गर्म करके भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये इसका यूज़ कहाँ होता है। इसका यूज़ होता है डीजल इंजन वाली गाड़ियों में, जहाँ पे ठंड के समय में कुछ डीजल गर्म करना रहता है, तो डायरेक्ट इंजन के अंदर लगा हुआ होता है ये। और इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, कभी कभी इसका यूज़ होता है, और ज़्यादातर 10 से 12 सेकंड के लिए इसका यूज़ होता है। और ये वैसे बना इस टाइप से होता है कि आप इसको कंटिन्यू नहीं चला सकते हो। और जो इसकी कीमत होती है, वो अच्छी कंपनी का खरीदने जाओगे आप तो 300 से 400-500 के बीच में आता है, और सस्ता वाला खरीदोगे तो 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में आपको मिल जाता है। तो इसकी जो साइकिल बहुत कम होती है, मैंने जैसा आपको बताया कि डीजल इंजन में यूज़ होता है, और काफ़ी कम देर के लिए जलता है ये, और ये बहुत ज़्यादा एम्पियर लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 12 वोल्ट की बैटरी है 150 एम्पियर की, लेकिन जो ये ग्लो प्लग है इसको 17 एम्पियर चाहिए होते हैं। यदि ये परफेक्ट काम करेगा तो उसको 17 एम्पियर चाहिए होते हैं। तो ये 17 एम्पियर का पावर कंज्यूम करता है, मतलब 12 वोल्ट और 17 एम्पियर, लगभग ऐसा है कि आप इसको मान सकते हो कि 15 एम्पियर से 20 एम्पियर के बीच में पावर कंज्यूम करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। और यदि आप इसको छोटी बैटरी में यूज़ करना चाहते हो, तो आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत से YouTube पे मैंने वीडियो देखे हैं जो छोटी बैटरी से इसको चलाना बताते हैं, जैसे 12 वोल्ट 7 एम्पियर की बैटरी हो गई, जो UPS में अधिकतर यूज़ होती है, और जैसे 12 वोल्ट 12 एम्पियर की बैटरी हो गई है। तो इस प्रकार की बैटरी का यदि आप यूज़ करते हो ग्लो प्लग के लिए, तो वो बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बैटरी की भी एक लिमिट होती है कि आप उसको कितने एम्पियर से डिस्चार्ज कर रहे हो। यदि जो उसके एम्पियर हेड, जो भी उसके एम्पियर कंपनी ने बताया है कि आप उसको 2 एम्पियर से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो, और आप इसमें 17 एम्पियर का ये प्लग लगा दोगे जो कि 17 एम्पियर पावर कंज्यूम करता है, तो आप सोच सकते हो कि जो 12 एम्पियर वाली जो बैटरी है, 12 वोल्ट 7 एम्पियर वाली बैटरी है, यदि आप उसमें 17 एम्पियर से डिस्चार्ज करते हो तो कितनी जल्दी वो डिस्चार्ज होगी। इस कारण से बैटरी पे लोड आएगा, बैटरी गर्म होगी और ख़राब भी हो सकती है। यदि बैटरी ख़राब होती है तो उस कंडीशन में उस बैटरी की गारंटी भी वॉइड हो जाएगी। यदि जो भी कंपनी की आपकी बैटरी है, तो वो कंपनी आपको बैटरी का रिप्लेसमेंट नहीं देगी, क्योंकि वो अपने हाई लोड से उसको ख़राब कर रखी है। कहने मतलब ये है कि आपने यदि ये जो प्लग है ग्लो प्लग, यदि आपने छोटी बैटरी में लगा दिया, तो वो उसको ज़्यादा एम्पियर से लोड से उसको डिस्चार्ज कर रही है, उस बैटरी के हिसाब से वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो उस हिसाब से बैटरी ख़राब हो जाएगी। यदि उसकी लाइफ 1 साल की है, तो 15 दिन या 1 महीने में वो बैटरी ख़राब हो जाएगी, यदि आप ग्लो प्लग का यूज़ करते हो तो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बैटरी होती है, मैंने बहुत से YouTube पे देखा है लिथियम आयन बैटरी का यूज़ कर रहे हैं। अब पहली बात, लिथियम आयन बैटरी बहुत ख़तरनाक होती है यदि आप उसको गलत तरीके से यूज़ करोगे तो। उसको गलत तरीके से चार्ज करोगे या गलत तरीके से उसको डिस्चार्ज करोगे, तो बैटरी अपने आप में बम बन जाती है। वो कभी भी फट सकती है, गर्म हो सकती है, फूल सकती है। आपने देखा होगा कई मोबाइलों की बैटरी फूल जाती है, वो बात अलग होती है, लेकिन आप उसको जानबूझकर गलत तरीके से यूज़ करोगे तो बैटरी ज़रूर ख़राब होगी। लिथियम आयन बैटरी को यूज़ करने के लिए आपको स्पेशल सर्किट बोर्ड की ज़रूरत होती है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है लिथियम आयन बैटरी को ओवर डिस्चार्ज होने से, ओवर एम्पियर से, जो ओवर एम्पियर से डिस्चार्ज होती है बैटरी, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। और जब आप उसको चार्ज करते हो तो ओवर चार्जिंग और जो हाई एम्पियर से जो चार्ज होती है बैटरी, उससे भी उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे कि वो सर्किट को हम BMS नाम से जानते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्किट आता है जो उसको संभालता है, तो वो सर्किट जो आता है वो हर बैटरी का अलग अलग होता है। उसके जो उसकी कैपेसिटी होती है बैटरी की, जैसे कि मान लीजिए कोई सी एक लिथियम आयन बैटरी है 2000 मिली एम्पियर की एक लिथियम आयन बैटरी है, तो उसको चार्ज कितने एम्पियर में करना है और डिस्चार्ज कितने एम्पियर में करना है, वो फिक्स रहता है। यदि आप उससे ज़्यादा एम्पियर से उसको डिस्चार्ज करते हो तो बैटरी पे लोड आता है, और यदि आप उसको उससे ज़्यादा एम्पियर से चार्ज करते हो तब भी बैटरी में लोड आता है। तो इस प्रकार का आप ग्लो प्लग यदि आप लिथियम आयन बैटरी में कनेक्ट करते हो और कोई ऐसा प्रोटेक्शन सर्किट नहीं लगाते हो, तो आप सोच सकते हो कि उस लिथियम आयन बैटरी की क्या हालत हो रही होगी, और यदि उसको कुछ होता है लिथियम आयन बैटरी को, तो सारा खतरा आपके ऊपर है। तो इस प्रकार से यदि आप ग्लो प्लग चलाते हो, तो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई है। और दूसरी बात यह है कि ग्लो प्लग को आप कंटिन्यू चला के नहीं रख सकते हो। यदि आप ग्लो प्लग को कंटिन्यू चलाओगे तो इसकी जो लाइफ है ना, वो कंटिन्यू चलाने के हिसाब से नहीं बनी है, ये कुछ देर के लिए चलाने के हिसाब से बनी है, और उसके बाद उसको आप पानी में डुबो के चलाओगे, तो वो सब गलत है। यदि आप ये चीज़ बनाते हो तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे पहली बात तो ग्लो प्लग सस्ते नहीं आते, आपको अच्छी क्वालिटी का खरीदना पड़ेगा।
तो आपको ग्लो प्लग एक अच्छी क्वालिटी का खरीदना पड़ेगा और उसके बाद में एक अच्छी बैटरी का यूज़ करना पड़ेगा आपको, और उस बैटरी का भी आपको देखना पड़ेगा कि इस बैटरी को हम 17 एम्पीयर से डिस्चार्ज करते हैं तो बैटरी भी किसी प्रकार का कोई फर्क तो नहीं आएगा। जिस प्रकार से मैंने आपको जो बैटरी दिखाई वो 150 एम्पीयर की है और इसकी एक लिमिट है डिस्चार्ज करने की, आप इसको 25 एम्पीयर से ज़्यादा से डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो, मतलब आप इसमें 25 एम्पीयर से ज़्यादा का लोड नहीं दे सकते हो। तो उस प्रकार से जो ये ग्लो प्लग है 17 एम्पीयर का है या 15 एम्पीयर का या 20 एम्पीयर का कुछ भी हो, तो उस हिसाब से बैटरी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यदि आपकी बैटरी छोटी है और उसकी जो लिमिट है डिस्चार्ज करने की आप उससे ज़्यादा इसको डिस्चार्ज कर रहे हो तो उस बैटरी पे इफेक्ट होगा, बैटरी ख़राब हो जाएगी, और जब बैटरी ख़राब होगी तो हो सकता है बैटरी फूल जाए, और जब बैटरी फूल जाती है इसका मतलब आपने उसको ज़्यादा एम्पीयर से डिस्चार्ज की है ऐसा कंपनी मानती है, और आपको उस समय आपको इस बैटरी की कोई रिप्लेसमेंट गारंटी वगैरह सब आपकी वॉइड हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी ये सब चीज़ें। तो आपको संभल के रहना है, आप सस्ते के चक्कर में रहोगे और आप सोचोगे कि हम इंस्टेंट वाटर हीटर इस प्रकार से बना लेंगे सस्ते में, तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। पहली बात तो जो बैटरी आप खरीदने जाओगे वो काफ़ी महंगी होगी, और जो ग्लो प्लग भी है कोई सस्ता नहीं है, वो भी महंगा ही आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आप ये वाटर हीटर बनाते हो, आप एक्सपेरिमेंट के लिए कर सकते हो ये सब, यूट्यूबर जो रहते हैं उनके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक रहता है। मुझे भी इस प्रकार का कुछ बनाना था लेकिन आपको ये सब चीज़ें भी बताना था। तो बाकी जितने भी यूट्यूब पर इस प्रकार की जो वीडियो बना रहे हैं वो बहुत अच्छे बना रहे हैं, लेकिन आपको ये सब चीज़ें उनको बताना चाहिए आपको कि यदि आप इस प्रकार का बनाते हो तो कितना ज़्यादा खर्चा आता है और कितना यह भारी पड़ता है। तो दोस्तों बस वीडियो में बस इतना ही था, मुझे आपको सबको ये जानकारी देनी थी, और जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सबको जानकारी दे दी, आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर दिखाइएगा क्योंकि उन्होंने भी वो वीडियो जरूर देख रखा होगा और उन्होंने भी ये ट्राई करने की कोशिश की होगी, यदि नहीं की होगी तो वो भी बच जाएंगे। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।